Hello kids, welcome to your English class. I am Anvesha, your English teacher. We are starting with a new chapter from your book, Literary Journeys and English Reader Primer Book by Brain Root Series. So, the name of our chapter is Use of A or An. ठीक है? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम A कहाँ यूज करते हैं? और एन कहाँ यूज करते हैं. ठीक है, आपको याद है बच्चों हमने लास्ट चैप्टर में वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स पढ़ा था, याद होगा फॉर श्योर. चलिए थोड़ा रिकॉल करते हैं. वोवल्स कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ एंड यू. पांच वोवल्स होते हैं, बाकी के सारे इन पांचों को छोड़ के सारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं. ये बात सबको याद है? बिल्कुल याद है. ठीक है, अब आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी हम ए यूज करते हैं ना, तो वो हम हमेशा एक कॉन्सोनेंट से पहले लगाते हैं. किससे पहले? क्या बोला मैंने? फिर से बोल रही हूँ, हम ए यूज करते हैं एक कॉन्सोनेंट से पहले. ठीक है, ए इज यूज बिफोर अ कॉन्सोनेंट. एक कॉन्सोनेंट से पहले हम ए यूज करते हैं. ठीक है, और एन कब यूज करते हैं? जब एक वोवल होता है ना. क्या होता है? जब एक वोवल होता है, एक वोवल से पहले. किससे पहले? एक वोवल से पहले हम एन यूज करते हैं. कैसे मैम? समझ नहीं आया, थोड़ा सा अच्छे से बताएंगे. चलिए अब देखो एग्जाम्पल्स. सबसे पहले क्या है? अ बस. आपने देखा बी यू एस बस का फर्स्ट लेटर क्या है? बी है ना, तो ये बी क्या है? ये बी एक कॉन्सोनेंट है या वोवल है? सोचो. बिल्कुल सही, ये एक कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए हमने ए लगाया इसके साइड में. आप फर्स्ट लेटर को चेक करेंगे, उससे डिसाइड करेंगे कि ए आएगा या एन आएगा. सो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमारे पास कितने वोवल्स होते हैं. ए, ई, आई, ओ, यू. कितने वोवल्स हैं ये? ये कितने है टोटल? ये टोटल फाइव है. ये टोटल फाइव है ना. तो अब आप देखिए यहाँ पे एन ऑरेंज में सबसे पहले फर्स्ट लेटर ओ है. ओ एक वोवल है? यस, बिल्कुल है, इसलिए हमने एन यूज कर दिया. तो एक वोवल के पीछे हमेशा एन आएगा और एक कॉन्सोनेंट के पीछे हमेशा अ आएगा. नेक्स्ट है अ चेयर, क्योंकि सी एक कॉन्सोनेंट है. एन एंट, क्योंकि ए एक वोवल है, तो वोवल्स के साथ एन आएगा, कॉन्सोनेंट्स के साथ अ आएगा, ए आएगा. अ मैंगो, दिस इज अ मैंगो. An elephant, this is an elephant. A tree, this is a tree, because T एक consonant है. An ice cream, this is an ice cream. ठीक है, बात समझ आई. अब हमारे पास ये practice exercise है जिसमें हमें A और N से match करना है. सबसे पहले rose है. Spelling देखो rose की क्या होती है? R O S E. सबसे पहले क्या आता है? R आ रहा है ना. आर एक वोवल है या कॉन्सोनेंट है? बताइए. यस, आर एक कॉन्सोनेंट है, तो हमने इसको अ से मैच कर दिया, अ रोज. नेक्स्ट है एरोप्लेन. एरोप्लेन में सबसे पहले क्या आ रहा है? ए आ रहा है, और ए तो एक वोवल है. देखो कौन कौन से वोवल्स है हमारे पास. एरे वोवल्स लिख दिए मैंने, तो यहाँ पे क्या आएगा? एन. नेक्स्ट है अम्ब्रेला. अम्ब्रेला देखो यू भी तो एक वोवल है, तो इसके साथ भी एन आएगा. और लास्ट में डक. डी क्या है? डी एक कॉन्सोनेंट है, तो अ आएगा. इस तरीके से हमें मैचिंग करनी थी, आपको समझ आ गया होगा. नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिफाई द पिक्चर्स एंड राइट द वर्ड्स यूजिंग ए एंड एन बिफोर देम. तो अब आपको क्या करना है? इन पिक्चर्स को अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज करना है, इन्हें पहचानना है, और फिर इनका नाम लिखना है, और उस नाम के पीछे ए या एन यूज करना है. बात समझ आती है? सबसे पहले पिक्चर कौन सी है? यस, एक अनियन की है, जिसे हम हिंदी में प्याज भी बोलते हैं. सो ये है अनियन, और अनियन में सबसे पहला वर्ड क्या आ रहा है? ओ आ रहा है ना सबसे पहला लेटर, तो यहाँ पे आएगा एन अनियन. क्यों आएगा एन? क्योंकि ओ एक वोवल है. देखो ये रहा ना, ओ एक वोवल है. नेक्स्ट है फिश. तो आप देख सकते हो एफ आई एस एच फिश में एफ क्या है? एक कॉन्सोनेंट है, तो अ आएगा, अ फिश. नेक्स्ट क्या है? एन ईगल. ठीक है, क्योंकि ई एक वोवल है, तो हमने एन यूज करा. नेक्स्ट है पैरेट. तो पी ए आर आर ओ टी में पी क्या है बच्चों? बताइए. P
सी एक कॉन्सोनेंट है तो अ आया. ठीक है, सबको समझ आ गई बात. वेरी गुड. नाउ वी हैव टू चूज ए और एन. हमें क्या करना है? ए और एन को चूज करना है. बनाना के साथ क्या आएगा, अ आएगा या एन आएगा? बिल्कुल अ आएगा. क्यों? क्योंकि बी एक कॉन्सोनेंट है. इग्लू के साथ एन आएगा. बिल्कुल सही बात है. नेक्स्ट है पियर, जिसे हम हिंदी में नाशपाती भी बोलते हैं, तो इसके साथ भी अ आएगा क्योंकि पी एक कॉन्सोनेंट है. नेक्स्ट है एग, एन. क्यों? क्योंकि ई डबल जी एग में ई क्या है, ई एक वॉवल्स का पार्ट है. वी ए ई एक वॉवल है. क्या है? ई एक वॉवल है. बात सबको समझ आती है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? बिल्कुल बढ़िया. वेरी गुड.